Hello everyone, welcome back to Adi Bhaya Hub. Today we will start our class 11th chapter number 8, last topic, that is the nucleus. ठीक है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर अप कर चुके हैं अपने. लास्ट टॉपिक बचा हुआ था हमारा न्यूक्लियस एंड टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक. न्यूक्लियस एज अर्लियर मेंशन कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है, कब किया था इसने, 1931 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस. ठीक है, यस, अब ठीक हो गया. अब देखिए इसमें आगे कि जो न्यूक्लियस है इट डिपेंड ऑन द सेल. नॉर्मली सिंगल न्यूक्लियस इज देयर. ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस होता है बट इन सम केसेस द न्यूक्लियस इज नॉट सिंगल, इट मे वैरी. ठीक है, तो सिंगल न्यूक्लियस जिसमें होगा हम उसको बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएट. इफ देयर वर टू न्यूक्लियस दिस इज कॉल्ड एज बाई न्यूक्लिएट. बाई न्यूक्लिएट के एग्जाम्पल यू हैव स्टडी इन द लोअर क्लास, पैरामीशियम. ठीक है, पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान है थोड़ा सा, लाइकवाइज दिस, तो इसमें जो है दो न्यूक्लियस होते हैं, दिस इज द लार्जर वन, दिस इज द स्मॉलर वन, दो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड इन सम स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम दे शो थ्री न्यूक्लियस, उनके अंदर तीन न्यूक्लियस होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज ए ट्राई न्यूक्लिएट. ठीक है, एंड इफ इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक जो सेल है उसका अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे जो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं जो कि फंगस की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फंगस. ठीक है, तो ये फंगस के अंदर भी हम बोल सकते हैं इसको स्लाइम मोल्ड, पढ़ते हैं आप लोग फंगस के अंदर, बट जो इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन आती है वो हमारी आती है प्लांट किंगडम के अंदर ही. ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं हमारे स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली दे हैव अ स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए प्लाज्मोडियम. ठीक है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम हम किसको बोलते हैं. नॉर्मली प्लाज्मोडियम जो है दैट इज़ द डिजीज कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. ये डिजीज कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है किसके अंदर, हमारे बैक्टीरिया में. ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के अंदर, सिंपल अगर हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया में तो, सॉरी नॉट इन द बैक्टीरिया, सॉरी फॉर दैट, हमारा जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर जो मॉस्किटो है दैट कॉज मलेरिया. ठीक है, मलेरिया किससे होता है अपना, एनोफिल्स मॉस्किटो से. ठीक है, एनोफिल्स मॉस्किटो जिस वेक्टर को कैरी करता है डिजीज़ कॉजिंग उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम. तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्लाज्मोडियम जो होता है ये हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड. ठीक है, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, प्लाज्मोडियम का. एंड प्लाज्मोडियम ऑल्सो गिवन द नेम टू द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया. ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारा किसका, मलेरिया का, जो कॉज करवाता है. अगर हम लोग बात करें अबाउट द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, कि न्यूक्लियस की जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, तो न्यूक्लियस की जो लोकेशन है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नियर टू द सेंटर, बट इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट टू द सेंटर, इट इज़ टूआर्ड द पेरिफ्री. ठीक है, टूआर्ड द पेरिफ्री का रीज़न क्या होता है उसके अंदर, पेरिफ्री इसलिए बोला जाता है, किनारे पे क्यों होता है, बिकॉज इन प्लांट लार्ज वैक्यूल्स वर प्रेजेंट. ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी से दैट, तो उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, पेरिफ्री के अंदर होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट का अबाउट टू पर्टिकुलर वर्ड्स,
ये आप लोगों के आगे आ जाएंगे। ये फर्स्ट वन जो वर्ड है दैट इज सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सिंचारियल सेल्स, ठीक है। ये पर्टिकुलरली हम उन सेल्स को बोलते हैं दैट हैव मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट जो एनिमल्स हैं, जैसे हमारी बॉडी है या अदर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, ठीक है, तो उनके अंदर जब मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियस का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंचाइशियल सेल्स, ठीक है। बट इन सम प्लांट्स और इन फंगी ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड एंड दैट इज कॉल्ड एज कोइनोसाइटिक सेल्स, ठीक है, कोइनोसाइटिक सेल्स ये हम लोग बोलते हैं इसको इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फंगी, बिकॉज इनकी जो फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस की सेल डिवीजन की, इनके लिटिल बिट इनसे थोड़ी सी डिफरेंस होती है। तो याद रखिएगा, अगर सिंचेशियल वर्ड आता है तो ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द एनिमल, और कोएनोसाइटिक वर्ड अगर आता है दिस इज़ यूज इन द फंगी, बिकॉज इन दोनों के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेल वॉल जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उनके अंदर जो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज कोएनोसाइटिक सेल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट कम अबाउट द शेप, वट इज़ द शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की शेप कैसे होती है, द शेप ऑफ न्यूक्लियस। नॉर्मली अगर हम लोग बोलें कि इसकी शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन अभी अगर हम बात करें, इट इज़ ज्योमेट्रिकली नियर सेंटर, ठीक है, कहाँ पे होगा, ज्योमेट्रिकली नियर टू द सेंटर इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। बट एज यू नो कि सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो उस बिहाफ पे क्या हो गया, दो टर्म्स आनी चाहिए एज यूजुअल, तो इसमें हम लोग दो टर्म्स करते हैं। फर्स्ट वन आ जाएगा ए न्यूक्लियेट सेल्स, ए न्यूक्लियेट सेल्स कौन से हो जाएंगे, दोस डज नॉट हैव न्यूक्लियस। इसका एग्जाम्पल क्या है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज अवर आरबीसी सेल, ठीक है, हमारे आरबीसी सेल व्हेन दे गेट मैच्योर दे लूज देयर न्यूक्लियस, और दो सेल दैट हैव न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज ई न्यूक्लियेट, ठीक है, ये विदाउट न्यूक्लियस, दिस आर विद न्यूक्लियस, ई न्यूक्लियेट सेल, इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, दे हैव न्यूक्लियस। देन नेक्स्ट कम अबाउट द केमिकल कंपोजिशन, कि वॉट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। एज यू ऑल नो सेल न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ एनी सेल, इट इज़ अ मास्टर ऑर्गनली, इसका साइज होता है 5 to 25 μm इन डायामीटर। अगर डायामीटर की बात करें तो ये इसका डायमेट्रिक डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, एंड केमिकली इट कंटेन द मेन DNA deoxyribonucleic acid approximately 9 to 12%, बेसिक प्रोटीन्स because we are studying about the eukaryotic cell, ठीक है, तो non basic proteins जो हैं वो present होते हैं किसके अंदर, हमारे in prokaryotic cell, but basic proteins are found in eukaryotic cell along with non basic proteins, ठीक है, तो इसमें basic proteins कितने हो जाएंगे हमारे, 15% हो जाएंगे amount of basic protein। then नेक्स्ट कम्स सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है आज, नॉन बेसिक प्रोटीन्स, नॉन बेसिक प्रोटीन्स जो होंगे बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से आएंगे,
इसके अंदर हमारे एसिड प्रोटीन्स, न्यूट्रल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। इनका अमाउंट कितना होता है? 65%, ठीक है। इन सब का अमाउंट कितना हो गया हमारे लिए? 65%। एंड अदर देन दिस, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है 5%। राइबोन्यूक्लिक एसिड किस लिए प्रेजेंट होता है? कि जब DNA को अपनी कॉपीज बनानी होती हैं, दैट वी कॉल्ड एज ए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन पे के टाइम पे DNA को अपने जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं फॉर इट्स रेप्लिकेशन, वो कौन प्रोवाइड करेगा इसको? RNA प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम अबाउट द लिपिड्स। लिपिड्स कितने होते हैं इसके अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड 3%, ठीक है। इसके अलावा व्हाट अदर थिंग्स आर प्रेजेंट? स्मॉल ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं इनके ट्रेसेस यानी कि स्मॉल अमाउंट में ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या आप लोगों ने पहले भी कर रखा है इसके अंदर? की स्मॉल अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। कुछ राइबोसोम्स भी जो होते हैं वो अटैच्ड फॉर्म में या फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट उनका नंबर कितना होता है ये डिफाइंड आउट नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट भी नहीं करते इसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर, ठीक है। और बेसिकली जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था एक पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, फॉर द इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जो ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट हैं इसके अंदर हमारा पोटेशियम एंड सोडियम, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल कंपोजिशन। नाउ कम अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होगा, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। फर्स्ट वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो हेयर इट इज, हेयर द स्ट्रक्चर यू मस्ट सी। लेट अस ज़ूम आउट इट। ये देखिए इसमें, यस दिस इज द स्ट्रक्चर। लिटिल बिट और जूम कर देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस नाउ इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स जो हम स्टडी करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। एज द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो आउटर इनर दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में द स्पेस, ये देखिए जो स्पेस इसमें दिख रहा है दैट आई हैव अंडरलाइन विद द ब्लू कलर, ये देखिए दिस कलर इज कॉल्ड एज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। व्हेन RNA रिक्वायर्स राइबोसोम, तो कहाँ से एंटर करेंगे वो? थ्रू दिस स्ट्रक्चर। ये देखिए गैप दिख रहा है यहाँ पे, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है। दिस इज कॉल्ड एज पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स हम इसको नाम देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन आउट होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने करा था पहले कि पिटेड पोर होते हैं, बॉर्डर पोर होते हैं, तो इसमें थोड़े से बॉर्डर टाइप के पोर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे इसका एक लैमिली लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिला। दिस इज द थिकर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस का, ठीक है। न्यूक्लियोलस का होता है, इट इज कंप्राइजेज ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसका कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता। और इस पर्टिकुलर सब यूनिट के अंदर ये जो एरिया है हमारा न्यूक्लियोलस का, दिस इज द मेन साइट वेयर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोम की जो अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं उनकी सिंथेसिस यहाँ पे चलती है, मेन पॉइंट होता है हमारा ये सिंथेसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो ये देखिए इसको सराउंड करता हुआ यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स गेट कंडेंस्ड एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जब एक सेल डिवाइड करता है तो उस टाइम पे न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म होने के बाद
फिर अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। नाउ वी गो टू ईच स्ट्रक्चर वेरी डिटेल, ठीक है। तो डिटेल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग इसके बारे में अगर स्टडी करते हैं अलग अलग पॉइंट के लिए, सो इसके लिए जो पॉइंट है हमारे, द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप कैसा होता है, इसके अंदर हम लोगों ने किए दो टाइप हैं, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक होगी इसकी इनर मेम्ब्रेन, एंड इन बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होता है वो इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके अंदर मैंने अभी बताया कि पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस होता है फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पोर्स, जिनको हम लोग पोर बोलें या क्या बोल सकते हैं हम उसको, न्यूक्लियर पोर्स भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर पोर का जो स्ट्रक्चर होता है, इस न्यूक्लियर पोर स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली इस तरीके से ऐसा डेंस स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, ये इधर मेम्ब्रेन होगी, ये इधर मेम्ब्रेन होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर इसका बनता है, ये डेंस स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पे स्मॉल स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको किसका नाम दे देते हैं, बेसिकली एनुलेटेड पोर का, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पोर्स, पोर्स का फंक्शन क्या हो जाएगा कि सेल के इनसाइड और आउटसाइड पैसेज क्रिएट करते हैं, किसके लिए, फॉर आरएनए, फॉर राइबोसोम एंड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, ये इसके अंदर चलेगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म एज यू ऑल नो कि द साइटोप्लाज्म दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अदर नेम भी होते हैं, ठीक है, वो अदर नेम क्या है ज़रा आप रिमाइंड आउट करें, पर रिकॉल करके देखें कौन कौन से नेम होते हैं इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा। आई जस्ट गिविंग 10 seconds टू यू, जस्ट रिमाइंड दैट। याद नहीं आया तो चलिए याद दिला देते हैं आपको, इसको जो है न्यूक्लियर सैप एज वेल एज कैरियो लिम्फ भी हम लोग बोलते हैं। कैरियो लिम्फ किसने बोला था, ठीक है, ये बोला था अपना स्टैश बर्गर ने, ठीक है। बाद में क्या नाम कर दिया था इसका, न्यूक्लियो प्लाज्मा, ठीक है। और ये कब कहा था इन्होंने, 1882 के अंदर, ठीक है, 1882 के अंदर इन्होंने ये बोला था। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एज यू नो इट इज़ अ साइट ऑफ एक्टिवेशन साइट है, तो इसके अंदर एक्सेस में एक तो एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, बिकॉज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ आर एसेंशियल, ठीक है। तो एंजाइम डीएनए के लिए होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एज द नेम इंडिकेट, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यू विल स्टडी इन 12th standard सॉरी व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आप लोग स्टडी करेंगे कि ये एंजाइम्स कैसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स जो होंगे वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट कम अबाउट, अब नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करते हैं वो है हमारा, थर्ड वन इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी मैंने बताया था कि बॉर्डर लाइन के अंदर एक न्यूक्लियर जो पेरिफेरल है जो लैमिला फॉर्म करता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ
फाइन फिब्रिल्स, ठीक है, फिब्रिल्स या हम बोल सकते हैं फाइन फाइबर्स जो होते हैं उनका ये बना हुआ होता है, फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उनका बना हुआ होता है, पूरा नेटवर्क होता है, किस लिए होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसकी अपनी लोकेशन को पॉइंट आउट करके रखना, ठीक है, अदर जो डीएनए आरएनए सॉरी जो आरएनए है प्रोटीन्स हैं, अदर जो मैट्रिक्स उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो सभी अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फिक्स रह सकें, उसके लिए न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स का आउटर जो रीजन होता है, ठीक है, द आउटर रीजन, ये एक्सिस के अंदर फाइब्रस होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग फाइब्रस लैमिला बोल सकते हैं या वी ऑल्सो कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर लैमिला, ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना ये इसके अंदर होता है। न्यूक्लियर लैमिना की लोकेशन क्या हो जाएगी, इट इज नियर टू इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके पास में होती है। इसके अंदर बेसिकली प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं दैट आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर के जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम और इसके फंक्शंस के बारे में अगर पॉइंट आउट करें तो इसका मेन फंक्शन जो होता है कि जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स जो बनते हैं, ठीक है, जो क्रोमैटिन है हमारा उसकी लोकेशन को फिक्स रखना, ये इसका काम होता है, एज वेल एज इट इज़ अ कंपोनेंट इन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के नियर है तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एज वेल एज इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप यानी कि इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको एक स्ट्रेंथ भी जो है ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं अबाउट द फोर्थ वन पॉइंट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर किया था फोंटेना ने, ठीक है, फोंटेना ने इसको डिस्कवर किया था, बट जो टर्म थी इसका जो नेम था न्यूक्लियोलस, ठीक है, डिस्कवर इन्होंने किया था बट नेम किसने दिया था, नेम दिया था बाउमैन ने, ठीक है, नेम इज़ गिवन बाय बाउमैन, इन्होंने जो है इसको नाम दिया था, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, इट इज़ नॉर्मली वी कैन से अ थिक डेंसर एरिया, ठीक है, थिंक डेंसर एरिया होता है जिसके पास इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज़ अटैच टू द क्रोमैटिन एट स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन में क्रोमैटिन फाइबर्स के साथ अटैच भी कर जाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज अटैच टू द क्रोमैटिन फाइबर इज कॉल्ड एज NOR, ठीक है, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन हम बोलते हैं किसके साथ, when nucleolus attached with chromatin, ठीक है। अब जो इसका टोटल एरिया अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियस का एरिया कैसा होता है, तो न्यूक्लियस का जो एरिया है टोटली थिकन होता है, इसके अंदर सारे के सारे जितने भी मेन फंक्शन हैं वो ये कैरी आउट कर सकता है। अब हम लोगों ने एक वर्ड किया है लास्ट में यहाँ पे, दिस इज़ द क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या होता है, ठीक है, क्रोमैटिन इज़ द एक्चुअली मेन सेंटर, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये एक मेन सेंटर हो जाएगा जहाँ पे सारा का सारा वर्कआउट जो है वो
कैरी होता है, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए आरएनए प्रेजेंट है हमारा, डीएनए फंक्शन आउट करेगा, तो वो कहाँ पर होता है हमारा, दैट इज द क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है, इट इज हेरिडिटरी डीएनए प्रोटीन फिबुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि फाइबर्स का बना हुआ एक डीएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो होता है, हम उसको किसका नाम देते हैं, क्रोमैटिन का, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज़ टोटली अ कॉइल अप स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल थिक कॉइल बन जाती है हमारी, एक स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहें कि कैसा ये स्ट्रक्चर बन सकता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक सेकेंड आपको थोड़ा सा हिंट दे के दिखा देते हैं। आई हैव यूजन अ थ्रेड, ठीक है, ये देखिए, जैसे थ्रेड का मैंने एक बंच बना के डाल दिया, तो ऐसे हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इफ़ आई स्टार्ट टू ओपन दिस थ्रेड, ठीक है, ये बंच को अगर ओपन करूँगी तो क्या हो जाएगी, ये देखिए थ्रेड्स अलग अलग हो रहे हैं, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग, ये देखिए थ्रेड्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर, अलग अलग हो जाएंगे। व्हेन द सेल गोइंग टू बी डिवाइडेड, ठीक है, जब हम इसको ऐसे अलग अलग कर दिया मैंने, ये इस तरह से देखिए अलग अलग कर दिया इसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर वर फॉर्मिंग, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन रेटिकुलम स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे क्या बन रहा है, द क्रोमैटिन्स दे अकर लाइक द फाइन स्ट्रक्चर्स, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे लाइक दिस, एंड दिस विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमैटिन रेटिकुलम, ठीक है। द नेक्स्ट, इसी के अंदर अब जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर डार्क एंड लाइट कलर के स्टेन्स फॉर्मेशन होती है, या हम लोग बात करें कि अगर स्टेन नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है क्रोमैटिन के अंदर दैट हैव एक्टिव जीन्स, ठीक है, जीन्स क्या होती हैं, फंक्शनल यूनिट होती हैं हमारी डीएनए की, तो एक्टिव जीन्स किसके अंदर प्रेजेंट है, ऑन दैट बेसिस हम क्रोमैटिन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यू क्रोमैटिन एंड अदर वन इज कॉल्ड एज हिट्रो क्रोमैटिन, ठीक है। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर दो तरह के होते हैं, यू क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ द ट्रू जीन्स, ट्रू एक्टिव जीन्स, ये इसके पास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एंड इन हिट्रोक्रोमैटिन इन एक्टिव जीन्स वर प्रेजेंट, ठीक है, इनएक्टिव जीन्स इसके अंदर इन एक्टिव जीन्स होती हैं। इनएक्टिव जीन्स का मतलब कि जो डीएनए की जो प्रोसेसिंग होगी, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, हम जिसको नाम दें डीएनए रेप्लिकेशन, एक लेंथी प्रोसेस है, तो रेप्लिकेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे, वो कौन से होंगे हमारे, हिट्रो क्रोमैटिन जो टेक पार्ट करेंगे, दैट आर यू क्रोमैटिन, ठीक है, ये इसके अंदर हमारा हो जाएगा यू क्रोमैटिन एंड हिट्रो क्रोमैटिन, ये हमारा इसके अंदर जो है बेसिकली पॉइंट हो जाएगा, यू क्रोमैटिन एंड हिट्रो क्रोमैटिन। अगर हम इसमें और डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद हम लोग स्टडी करें अगर इसकी, कि जो साइज़ होता है, जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं हिट्रोक्रोमैटिन्स के अंदर, ठीक है, हिट्रोक्रोमैटिन के अंदर जो ग्रैन्यूल हैं जिसकी वजह से ये फॉल्स न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो उनको क्या नाम दिया जाता है, दैट आर कॉल्ड एज क्रोमो सेंटर्स और कैरियोसोम्स और फॉल्स न्यूक्लियोलाई, ठीक है,
ये ग्रैन्यूल्स के ऊपर डिपेंड करके जो हमारा हिटरोक्रोमैटिन बनता है, तो उसके अंदर ये डिफरेंट हम उसको नाम दे सकते हैं, क्रोमोसेंटर, कैरियोसोम्स या फॉल्स न्यूक्लियाई। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर बनते हैं। अब पॉइंट आता है कि ये तो हो गया सारा स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियस का, देन हाउ क्रोमोसोम आर फॉर्म, क्रोमोसोम कब बनेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। ये देखिए, इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये यू क्रोमैटिन का है, ये इस तरीके से पूरी तरीके से फैले हुए हैं। ये जो स्टेज होती है सेल की जिसके अंदर ये पूरी तरीके से बिखरे हुए होते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज। ठीक है, जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है तो उस टाइम पे जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, जो क्रोमैटिन है हमारा, वो कंडेंस होता है एंड इट कन्वर्टेड इंटू दिस स्ट्रक्चर। ये देखिए जो क्रोमोसोम है, ये देखिए क्रोमैटिन फाइबर्स शो कर रखा है इंटरफेज में, और ये प्रोफेज नेक्स्ट स्टेज होता है। इसके अंदर देखिए क्रोमैटिन फाइबर्स किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, एज यू गॉट द हिंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बेसिकली वो प्रॉपर स्ट्रक्चर होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर द मेन साइट फॉर द हेरिडिटरी मटीरियल, कि जो हेरिडिटरी मटीरियल को ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम लोग किसका नाम देते हैं भाई, वी कॉल दैम क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब वही बात आ गई, सबसे पहले भी डिस्कवर किसने किए थे, तो इसको डिस्कवर किया था किसने, हॉफ मेस्टर ने। ठीक है, हॉफ मेस्टर ने डिस्कवर किया था, बट जो टर्म थी इसकी नामकरण, ठीक है, ये किया था इसका वेल्डेयर ने। ठीक है, एज यू टोल्ड अर्लियर, इसका एग्जैक्ट नहीं पता है कि भाई इसको जो है कब और किसने डिस्कवरी दी है, इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं पता है इसकी, इन विच ईयर दे वर गिवन। तो क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं, दीज आर रॉड शेप्ड कंडेंस स्ट्रक्चर, रॉड शेप के कंडेंस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट कोडेड, क्योंकि कोड्स में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे जो डीएनए में कोड होते हैं वो A, T, G, C, ये कोड होते हैं। ठीक है, इसलिए कोडेड बोला है इसको, कोडेड हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म के अंदर जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है उसको ये ट्रांसफ़र करेगा किसके अंदर, फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, यानी कि एक से दूसरे के अंदर जो है इसको ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि हम लोग एक वर्ड यूज़ करते थे हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन बींग के 23, वर्ड आया डिप्लॉइड, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमने यहाँ पे बोल दिए। तो जो वर्ड है ये प्लॉइड जो वर्ड है, ठीक है, द वर्ड प्लॉइड PLOID, प्लॉइड मीन्स सेट्स, कितने सेट हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो हैप्लॉइड है वन सेट, डिप्लॉइड का मतलब टू सेट, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्रिप्लॉइड का मतलब थ्री सेट हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है सीक्वेंस इसको आगे रीड आउट करते हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, लाइक अ ट्विंस, बिल्कुल सेम एडिटो, देखने में एक जैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो हम उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से हो जाएंगे, दैट कंटेन सेम जीन्स, एक जैसी जीन्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हिट्रोलोगस। ठीक है, होमोलोगस एंड हिट्रोलोगस दो वर्ड हम इसमें करते हैं, या फिर नॉन होमोलोगस भी हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है हिट्रो की जगह, नॉन होमोलोगस। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि
इनके जो जीन्स होते हैं नॉट सेम, ठीक है, इनके जीन्स क्या होंगे, सेम नहीं होते। अब हम लोग स्टडी करेंगे हाउ द क्रोमोसोम वर फॉर्म, क्रोमोसोम जो हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो इनके अंदर बनता है, यस, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो इनके अंदर बनता है वो होता है क्रोमोनिमेटा। व्हाट इज दिस क्रोमोनिमेटा, ठीक है, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिलामेंट्स फॉर्म में जब क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो देवर कॉल्ड एज ए क्रोमोनिमेटा। सेकेंड आता है क्रोमोमर्स। क्रोमोमर्स जो होते हैं दीज वर बीड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दीज आर बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती के जैसे स्ट्रक्चर जब इसका अरेंज होता है तो ये बन जाते हैं, यानी कि जैसे एक सिंगल लेयर बने हुए हैं इसमें, इस तरीके से ये ऐसे नॉट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द क्रोमोमेयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर बोल दो या फिर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, या एक और वर्ड आता है इसमें काइनेटोकोर, हम एक के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या हो जाएगा, इट इज द साइट एट विच द स्पिंडल्स, जो स्पिंडल बने हुए थर्ड लाइक, अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीज़न में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं, अलग अलग जाते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोमियर का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जब क्रिएट होती है तो आइदर साइड, आइदर साइड यानी कि कोई भी साइड, ऊपर वाली या नीचे वाली कोई भी साइड अगर हम लोग लें, फॉर एग्जांपल देखो मैं एक क्रोमोसोम बना देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए एक क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे आपका ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है क्रोमोसोम, इसके आइदर साइड दोनों ये जो साइट हैं दिस आर कॉल्ड एज आर्म्स, ठीक है, ये सेंटर में क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रोमियर, ठीक है। कई बार क्या होता है ड्यूरिंग द कॉइलिंग, जब भी कॉइल करता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जब बनती है, सम हाउ सम क्रोमोसोम्स दे नॉट टाइटली अटैच विद देम, और उस टाइम पे जो कंस्ट्रिक्शन होती है वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन शो होती है, इस तरीके से अलग से ऐसे क्रोमोसोम ऊपर अटैच हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम। जैसे मून अर्थ का सैटेलाइट है तो ऐसे ही बंच जो बन जाता है कुछ प्रोटीन्स का अलग से क्रोमोसोम के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम हैं। फर्स्ट हम करते हैं इसमें मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, इसके अंदर जो आर्म्स हैं दैट आर इक्वल्स, आर्म्स क्या होंगे इसके अंदर इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये बना देती हूँ इसमें, ये देखिए ऐसे इसकी आर्म्स क्या हैं इक्वल, ये वाली आर्म भी ये वाली आर्म भी, बोथ आर इक्वल इन साइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब मेटा सेंट्रिक। सब मेटा सेंट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा कि जो आर्म्स हैं दे वर लिटिल बिट डिफर, ठीक है, यानी कि अपर आर्म जो होगी वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, लोअर आर्म थोड़ी सी
लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, अनइक्वल हो जाएंगी, अनइक्वल आर्म इस तरीके से, ऐसे ये इतनी होगी हमारी, ये इससे थोड़ी सी जो है हमारी लेंथी होगी ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये शेडेड वाली थोड़ी लॉन्ग है, नॉन शेडेड वाली थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड वन की, दिस इज सॉरी द थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा कि जो इनर मोस्ट यानी कि अपर मोस्ट जो आर्म है दैट विल बी वेरी शॉर्ट, यानी कि वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम कि अपर आर्म बिल्कुल शॉर्ट है, लोअर आर्म बिल्कुल लॉन्ग हो जाएगी। ये किसके अंदर होता है अपना एक्रोसेंट्रिक के अंदर। एंड लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। एंड टीलोसेंट्रिक द सेंट्रोमियर इज एट टॉप और आर्म्स इसमें नीचे आ जाती हैं, ठीक है। बट सम सेज दैट द आर्म इज रिड्यूसेस टू वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। इस तरीके से जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया अलग अलग इसका साइज कि व्हाट आर द साइज ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स का साइज करने के बाद देयर वाज अ पॉइंट कि भाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, जेंट क्रोमोसोम हम बोलते हैं, बहुत बड़े, ठीक है। जेंट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग, ठीक है, बड़े क्रोमोसोम। तो इसमें दो टाइप आते हैं अपने, पॉलीचीन और एक आता है इसमें लैम्ब्रश, ठीक है। ये दो साइज आते हैं इसमें, पॉलीचीन और लैम्ब्रश के अंदर, ठीक है। तो पॉलीचीन जो क्रोमोसोम होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये इनका जो शेप एंड साइज होता है वो लेंथ वाइज होता है, ये ज़्यादा डिटेल की नहीं कराएंगे आपको, इन शॉर्ट ही देखते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से लेंथ वाइज होंगे। अगर आप इसमें देखें तो बीच में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक पफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे फाइबर्स जो होते हैं आपस में क्रॉस आउट करते हैं, ठीक है। और इसमें इस तरीके से डार्क एंड लाइट बैंड जो होते हैं वो बनते हैं, किसके बनते हैं डार्क एंड लाइट बैंड, क्रोमोनिमेटा के एंड क्रोमोमियर्स के, ठीक है। ये डार्क एंड लाइट बैंड्स यहाँ पे बनेंगे, जहाँ पे ये एक्सेस में होते हैं हमारे क्रोमोमियर्स वहाँ पे ये पफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और ये नॉब्स बनेंगी इसकी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीचीन क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लैम्ब्रश क्रोमोसोम। लैम्ब्रश जो क्रोमोसोम होता है ये इस तरीके से होता है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम ये देखिए, ठीक है। इसमें लूप बनता है एट 90 डिग्री एंगल, ये देखिए परपेंडिकुलर है दोनों तरफ से, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ये बनता है। एंड दिस इज द लूप लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली बनेगा कब, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे बनेगा लैम्ब्रश स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया सारा हमारा किसके बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है हमारा न्यूक्लियोसोम्स, कि व्हाट आर न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स बेसिकली वी कैन से इट इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और वो रिपीटिंग यूनिट्स किसकी होंगी, क्रोमैटिन की। रिपीटिंग यूनिट्स किसकी होंगी, क्रोमैटिन की, उसकी रिपीटिंग यूनिट से जो है स्ट्रक्चर बनता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम। सो हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये देखिए न्यूक्लियोसोम जो होता है ये इसके अंदर इसके बेस प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके साथ बने हुए हैं, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये डीएनए का स्टेगमेंट, ये देखिए ये इसके ऊपर ये जो लाइनिंग दिखा रखी है, दिस इज़ द डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दिस इज़ द रीज़न ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन डबल हेलिकल डीएनए दैट इज़ ऑफ अवर डीएनए, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, वो डीएनए
अपने इस कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट रह पाता है। ये प्रोटीन उसको वाइंड अप ओपन होने नहीं देते। इफ़ वी वॉन्ट टू ओपन इट देन वी हैव टू प्रोवाइड इट अ टेम्परेचर, कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 91 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा कि काफ़ी लंदी चला गया, एंड इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आपका जो है बेसिकली जो कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर है ऑफ डीएनए, न्यूक्लियस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स का शेप एंड साइज, वो हमारा जो है क्लियर हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट और हम इसके अंदर लास्ट बताना चाहेंगे, ये आपके माइंड में ज़रूर घूम रहा होगा कि इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी द क्रोमोसोम देन व्हाट इज़ द नेम गिवन टू दैट स्टडी। भाई हमें अगर स्टडी करना है किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स के सेट के बारे में, ठीक है, अगर दिस इज सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, अगर हमें स्टडी करना, हाउ डू वी नो दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी जो करा जाता है, इसको नाम दिया जाता है कैरियो टाइप। ठीक है, और कैरियोटाइप हर एक स्पीशी का यूनिक होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हर एक स्पीशी के यूनिक होते हैं, एंड इफ रिप्रेजेंट देम डायग्रामेटिकली, ठीक है, अगर हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइडियोग्राम। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स को हम डायग्रामेटिकली बना के रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसका शेप है, साइज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्रोमो, नंबर ऑफ जीन्स, तो दिस इज कॉल्ड एज आइडियोग्राम। ठीक है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आप लोगों ने इतना साथ दिया, बहुत लेंदी चैप्टर था। थैंक यू, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।